नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बॉन्साई फिर से सॉल्व करता हूँ। दोस्तों आपको याद होगा, मैंने एक बार आपको बताया था लाइव में कि छोटे प्लांट पर जो गुलदावरी है उसके छोटे प्लांट पे हम फ्लोरिंग कैसे पा सकते हैं। तो आज मैं आपको वही दिखाऊंगा कि छोटे प्लांट पे हम फ्लोरिंग कैसे पा सकते हैं। इसी तरह से मैंने भी इस बार कुछ आपको दिखाने के लिए कुछ गुलदावरी लगाई है जिसपे कि इतने छोटे छोटे प्लांट के ऊपर ये फ्लोरिंग है वो स्टार्ट हो गई है। दोस्तों अभी तक अगर आपने मामल बॉन्साई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिले। दोस्तों ये वो प्लांट है जो मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे पॉट के अंदर ही हमने लगा रखे हैं, ये देखिए, और इन पे जो फ्लोरिंग है वो स्टार्ट हो गई है। ये आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे हैं और फ्लोरिंग देखिए, इतने छोटे से गिलास के अंदर ही आपका जो फूल है वो खिल जाएगा देखिए। और इसको हमने कैसे ग्रो किया है चलिए वो और आपको दिखाते हैं। देखिए सामने जो आपको कटिंग्स दिख रही है सभी कटिंग्स मैंने लगाई थी और इन पे जो फ्लोरिंग है वो आ चुकी है और कुछ पे जो बर्ड्स है वो आ रहे हैं। और ये बहुत ही छोटा प्लांट है, इसका कारण क्या है कि इनके इतने छोटे प्लांट पे क्यों फ्लोरिंग आई है? देखिए मैंने जब इनकी कटिंग लगाई थी तब क्या है, जो मदर प्लांट है उस पे फ्लोरिंग आने वाली थी यानी बर्ड्स आने वाले थे, तो सभी पे आपको बर्ड्स जो है वो दिख रहे होंगे। चलिए इनमें से कुछ प्लांट जो है वो मैं आपको एक छोटे से कप में लगा के दिखा देता हूँ ताकि अगर आपके पास अगर कोई छोटा पॉट है तो उसके अंदर आप इस तरह से फूल लगाकर सजा सकते हैं अपने बगिया को। चलिए ये फ्लोरिंग प्लांट जो है ये देखिए कितना छोटा है, इसको हम निकालते हैं। ओके दोस्तों देखिए कितनी छोटी सी कटिंग जो है, उस कटिंग पे ये कटिंग मैंने इतनी लगाई थी और उस पे जैसे ही बर्ड ये निकला न्यू बर्ड और इस पे जो फ्लोरिंग है वो आ गई। तो चलिए अब इसको हम पॉट कर देते हैं। इस तरह से एक छोटा सा कप मैं ले लिया, इसके अंदर जो होल है वो मैंने कर दिया है। अब इसके अंदर पहले हम मिट्टी फिल कर लेंगे और उसके बाद जो हमारा प्लांट है ये लगाएंगे। तो इस कटिंग को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और उसके बाद इसके अंदर इस तरह से जो सोइल है वो फिल कर देते हैं। ये दिखने में ऐसा लगता है जैसे कि हमने फूल तोड़कर सीधा इसमें लगा दिया है, लेकिन ये प्लांट है और इस पे रूट्स भी है। मैं आपको नेक्स्ट जब कटिंग निकालूंगा उसमें आपको रूट्स भी दिखाऊंगा। देखिए इस तरह से आप जो फ्लोरिंग प्लांट जो इतना छोटा सा बना सकते हैं, इसको हम साइड में रख देते हैं और दूसरा प्लांट निकालते हैं। तो सेम ये देखिए छोटा सा प्लांट है बिल्कुल, यानी कि जब मैंने कटिंग लगाई थी उसके बाद इसमें कोई ग्रोथ नहीं, सिर्फ ये देखिए कुछ बर्ड्स यहाँ पे आए और ये सीधा यहाँ पे फ्लोरिंग आ गई। छोटे प्लांट पे फ्लोरिंग पाने के लिए आपको ये करना होगा कि जब फ्लोरिंग टाइम हो उससे कुछ टाइम पहले ही जस्ट आप जो कटिंग है वो लगाइए ताकि उस कटिंग को जैसे ही वो ग्रो करेगी उस पर फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ ऐसे ही है तो मैं आपको दिखा दूं कि इसमें रूट्स आपको दिख रही होगी, तो इसमें रूट्स भी है ये देखिए। अब हम इसको भी लगा देंगे। इसके अंदर और सॉइल जो है वो फिल कर देंगे। तो अब छोटे छोटे पॉट के अंदर ही आपके जो फ्लोर्स हैं वो खिलेंगे। मैं आपको और दिखाता हूँ जो बाकी कटिंग जो हमने लगाई थी उनके अंदर फ्लोरिंग कैसी चल रही है। ये देखिए सभी कटिंग के अंदर आपको जो बर्ड्स है वो दिख रहे होंगे। दोस्तों एक चीज का और ध्यान रखिए कि जब भी आप सिर्फ गुलदावरी नहीं, आप कोई भी अगर प्लांट लगाते हैं छोटे पॉट के अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसको अच्छे से जो है न्यूट्रिएंट्स मिलना जरूरी है। तो उसके अंदर खाद की जो मात्रा है वो आप ज्यादा रखें हमेशा, कम से कम 50% आप जरूर उसके अंदर कंपोस्ट ऐड करें ताकि छोटे पॉट के अंदर क्या है उसको न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिल सके। ओके दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन उसको दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।